सो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुंदर जी। सबसे पहले जाना चाहेंगे, ट्रेवल कर रही हैं, हमारी बात चलते चलते होगी। जी जी चलिए रूहानियत की बात करते हैं ना, ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है दिल को। अगर आपसे जानना चाहें, रूहानियत को आप डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे करेंगे? रूहानियत फॉर मी इज जो दिल से जुड़ा हो, रूह तक पहुंचता हो, वैसा प्यार या वैसा कोई भी रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप जो आपको सुकून देता हो, वो मेरे रूहानियत वाला रिलेशनशिप है। चाहे फिर वो लवर्स के बीच हो, चाहे माँ बच्चे का हो, चाहे कैसा भी हो, रूह को जो सुकून दे, तो दैट इज रूहानियत फॉर मी। और अगर इस वक्त आप पूछे रूहानियत मेरे लिए क्या है, तो वो एमएक्स सीरियल है जिसमें मैंने काम किया है। चलिए आपके किरदार की बात करें, प्रिया किरदार की बात करें, अगर प्रिया और स्मिता कितना मैच करती हैं एक दूसरे से या बिल्कुल अलग हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं कहूंगी कि प्रिया और स्मिता जो है वो बहुत अलग नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों दो बेटियों की माँ है, टीनेज बेटी है और प्रिया की भी और स्मिता की भी, और दोनों ये बिलीव करती हैं कि फैमिली के ऊपर और कुछ नहीं है, और दोनों के लिए अपनी बेटियों को प्रोटेक्टेड रखना, उन्हें अच्छी जिंदगी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो दोनों की सिमिलैरिटीज हैं, बट ऑफकोर्स हर इंसान की जर्नी अलग होती है। प्रिया की जर्नी अलग है, उसने अपनी जिंदगी में अलग चीजें देखी हैं, उसके कहानी अलग है, स्मिता की कहानी बिल्कुल अलग है। तो प्रिया की जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल रही है, उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, और अब वो स्टेज पे पहुंची है जब उसके लिए उसने बाकी अपने सारे जो अपनी जो सारी चाहते थी उनको दबाकर अपनी बेटियों पर कॉन्सेंट्रेट किया है, एंड शी जस्ट वॉन्ट्स देम टू हैव अ हैप्पी लाइफ नाउ। सो दैट इज वॉट प्रिया इज। स्मिता अभी भी अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन अपनी बेटियों को भी खुशी देना चाहती है। जी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जाहिर सी बात है। इस रूहानियत की अगर बात करें, ये रूहानियत आपके लिए बहुत खास रूहानियत रही है, क्योंकि इसमें आपके हस्बैंड साथ में थे। मतलब एक रूहानियत तो चली रही थी कहानी, दूसरी कहानी भी साथ साथ चल रही थी, तो उस रूहानियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले कितना मजा आया, यू नो, जब साथ में लोग अपने काम करते हैं तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा भी होता है, बहुत दिक्कत भी हो जाती है बहुत लोगों को, तो आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैंने और अंकुश ने 20 साल बाद साथ में काम किया, जब हम पहला शो हमने साथ में किया था जब हम मिले थे और हमारी शादी हुई, और उसके बाद 20 इयर्स वी हैव नॉट वर्क टुगेदर, हमारी शादी को 20 साल हो गए। और जब रूहानियत आया तो पहला यही था कि अंकुश डायरेक्टर हैं तो उस शो के, और हम लोगों ने इतने साल थोड़ा एक दूसरे को अपने काम से दूर ही रखा था, बिकॉज वही जैसा कि आपने कहा कि पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स भी आ सकती है नहीं भी आ सकती है, बट रूहानियत की स्क्रिप्ट सुनने के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं ये शो करूं। तो मैंने अंकुश को कहा कि इज इट ओके कि इफ आई डू द शो, तो ही सेड कि इट इज अप टू यू, इट इज योर डिसीजन, तुम्हारी वर्क लाइफ है, तुम्हें डिसाइड करना है। बट आई विल से ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। घर पे ये होता है ना कि एक डायरेक्टर्स चेयर पे जब आप किसी को भी देखते हैं तो यू नो यू feel very you know that person is very important for the show, और यहाँ पे तो वो मेरे हस्बैंड थे, तो ऐसे एकदम प्राउड फीलिंग होती थी कि यू नो माय हस्बैंड इज डायरेक्टिंग, एंड वो मुझे जब इंस्ट्रक्शंस देते थे तो मुझे लगता था चलो चलो दे लो फिर घर ही आना है वापस, आज मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ, कल से तुम्हें मेरी ही सुननी है। सो यार इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, और इतना टाइम हम लोगों को साथ बिताने भी मिला, तो इट वॉज नाइस, बिकॉज अदरवाइज वो अपनी शूट पे बिजी होते हैं, मैं अपनी शूट पे बिजी होती, तो बहुत टाइम हम लोग साथ में गुजार नहीं पाते, बट रूहानियत के बहाने हमने एक दूसरे के साथ आउटडोर शूटिंग थी तो टाइम भी गुजारा, एक तरह से काम भी हो गया और साथ में रहने का मौका भी मिल गया, रहना भी हो गया, और मैं अपनी बेटियों को भी साथ ले गई थी तो वो फैमिली हॉलीडे ही हो गया। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके खूबसूरत जर्नी की बात करें, यू नो इतिहास से लेकर अगर अभी तक की बात करें, भाग्यलक्ष्मी की बात करें, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है और बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया है आपके कैरेक्टर ने, आपके किरदार ने। अगर इस समय की बात करें, यू नो चूंकि OTT प्लेटफॉर्म एक नया है बहुत सारे लोगों के लिए और आपकी शुरुआत भी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कितना अलग OTT प्लेटफॉर्म है आपके हिसाब से, यू नो स्क्रीन टीवी स्क्रीन से लेकर के OTT का पूरा जर्नी? See, for an actor तो सब सेम ही है, क्योंकि काम तो हमें सब जगह ही करना है, हमें तो अपनी परफॉर्मेंस 100% अपने काम को देना ही है। जिस दिन हम काम के साथ गद्दारी करनी शुरू कर देंगे तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, सो वी हैव टू गिव आवर 100%, चाहे फिर मीडियम कुछ भी हो।
काम करने के तरीके फर्क हो जाते हैं, क्योंकि टेलीविजन में हम डे टू डे काम कर रहे होते हैं, टीआरपीज के हिसाब से शो की स्टोरी लाइन बदलती रहती है, ऑडियंस रिस्पांस के साथ साथ हम बदलते रहते हैं, लॉन्ग रनिंग काम होता है, तो पता नहीं होता कि आज मैं जो बोल रही हूँ कल शायद वो ना कर रही हो, वो मेरा किरदार वो नहीं कर रहा होगा शायद. बट ओटीटी बिकॉज इट इज अ स्टार्ट टू फिनिश स्टोरी, तो आप अपने किरदार पर बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कहानी यही रहने वाली है, तो आप उस हिसाब से अपने किरदार को मोल्ड कर सकते हैं, उसे आगे पीछे ले जा सकते हैं, उसे और निखार सकते हैं. बट टेलीविजन में हमें वो लिबर्टी नहीं मिलती, क्योंकि हम हर सीन टू सीन काम कर पाते हैं, क्योंकि इस सीन में हमें ये करना है और हम इसे अच्छे से करेंगे. लेकिन ओटीटी में क्योंकि समय है और कोई डेडलाइन नहीं है, तो हम पूरे अपने किरदार की एक जर्नी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, पूरे शो को निखारने की कोशिश की जाती है. टेलीविजन में टाइम की लिबर्टी नहीं है, जिसकी वजह से काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हम अपने किरदार पर. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. और ऑडियंस के लिए आई फील ओटीटी इज ब्रिलियंट, बिकॉज आपको जो देखना है एवरीथिंग इज अवेलेबल, कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है, वर्ल्ड कंटेंट हमें मिल रहा है देखने के लिए. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी ओटीटी. और टेलीविजन तो हमारी आदत है, वो तो रहेगा ही. लेकिन जैसा कि आपने काम को लेकर, बहुत सारे एक्टर्स ना चूंकि बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो इतना काम नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी बहुत नेम एंड फेम पाना चाहते हैं. आज के आपकी जनरेशन की बात करें, बहुत सारे एक्टर्स की ऐसी खबरें भी आई कि वो बहुत ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से इंडस्ट्री भी छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप? आई बिलीव कि अगर आप अपना जो काम है उसको काम की तरह करेंगे तो कहीं पे भी प्रेशर लगेगा और कोई भी काम जो है वो भारी लगने लगेगा या मेहनत ज्यादा लगने लगेगी. बट अगर आप अपने काम को इंजॉय करते हैं, आप जो कर रहे हैं उस वही आपकी हॉबी है. लाइक फॉर मी एक्टिंग इज रीइन्वेंट्स मी, मेरे को मैं जब एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं रिजुविनेट हो जाती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, मैं और मुझ में और एनर्जी आ जाती है. तो फॉर मी बिकॉज आई इंजॉय बीइंग ऑन द सेट, बीइंग समथिंग सम अदर कैरेक्टर, बीइंग सम, जिस दिन मैं ये प्रोसेस इंजॉय करना बंद कर दूंगी उस दिन शायद मैं उस शो से हट जाऊँ, कटना शुरू कर देती हूँ या मैं उस शो को छोड़ना पसंद करती हूँ. क्योंकि जिस दिन मैं इंजॉय करना बंद कर देती हूँ उस दिन फिर वो मुझे मेहनत लगने लगती है कि अरे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. सो आई थिंक फॉर द यंगर लॉर्ड जिनमें पेशेंस की बहुत कमी है, आई फील उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यू हैव टू इंजॉय योर वर्क. उसको काम की तरह से काम मत करो, काम को एंजॉय करो, तो आपको कभी बहुत ज्यादा भारी नहीं लगेगा काम करना. आई नो हमारे इंडस्ट्री में बहुत वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत थकावट हो जाती है, बट इफ यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जब आपने काम की शुरुआत की थी तब का समय कुछ अलग था, अब बहुत कुछ बदल चुका है, शूटिंग वे में भी बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है. अब जब आप ये बदलाव देखती हैं, कितना अलग महसूस करती हैं, कि पहले ज्यादा अच्छा था या अब आपको बहुत आराम लगता है? मैं ये नहीं कह सकती कि पहले अच्छा था या अब अच्छा है. हर दौर का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है. सब पहले टाइम में वीकली शो तो ज़्यादा बनते थे, कहानियाँ स्ट्रॉन्गर होती थी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर होते थे, तो एक टाइम पर एक एक्टर एक से ज़्यादा शोज कर सकता था क्योंकि समय होता था. डेली शो एक करने का मतलब है कि आप एक टाइम पर एक ही शो पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक टाइम पर एक ही शो अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम का लिमिटेशन हो गया है कि आप लिमिटेड हो जाते हो, आपके लिए काम वही करना फिर थोड़ा आपके लिए वो रूटीन हो जाता है. जबकि पहले आप ज्यादा काम कर पाते थे, एक ही साथ ज्यादा किरदार निभा पाते थे, तो आप बोर इतना नहीं होते थे. सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन द टाइम. पहले पूरी फैमिली ऐसे नहीं, प्रोफेशनलिज्म थोड़ी कम थी पहले, अब बहुत ज्यादा हो गई है. अब तो मतलब टाइमिंग को लेकर एवरीथिंग इज सो डिसिप्लिन्ड नाउ, मनी इज मच मोर नाउ. पहले टेलीविजन में इतना पैसा नहीं था, अब टीवी में पैसा है. सो ऑल दीज थिंग्स, तो वही मैं कह रही हूँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं in both the things. Like pehle television I don't remember having press conferences and media coming to us or talking to us about our shows, but now even television show ka jab launch hota hai to there are proper media launches which happen and the promotions which happen. Television actors also become stars. Pehle itna nahi tha, रातों रात स्टार बनने वाला तो सीन था ही नहीं पहले. हमें सिर्फ काम करते थे, स्पॉटिंग भी होती है, टीवी स्टार्स की स्पॉटिंग होती है.
हर जगह पर। हाँ अब तो या अब तो वो सब भी होने लगा है। पहले जब सिर्फ टीवी और फिल्म्स थे तब फिल्म एक्टर्स यूज्ड टू बी दोस लार्जर देन लाइव्स और हम तो रोज घर आने वाले लोग थे तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। अब थिंग्स आर डिफरेंट। चलिए आपके रूहानियत के कोस्टार्स की बात करें, अर्जुन की बात करें, यूनो कनिका की बात करें या आपके जो हस्बैंड बने हैं, शायद पहली सीरियल के साथ आपके साथ थे और आज ओटीटी पे भी साथ में हैं, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, सो अमन वर्मा के साथ मैंने मेरा पहला शो किया था इतिहास और अब मैं रूहानियत का जो पहला रूहानियत जो मेरा ओटीटी का पहला शो है उसमें भी वो मेरे हस्बैंड ने, तो आई थिंक ही इज लकी, ही इज गुड फॉर मी। एंड अर्जुन एंड कनिका very very hard working children, they have worked very hard in the show aur sirf mehnat hi nahi, they are very professional also, they are matlab aisa nahi ki jaisa hum sunte hain ki late aate hain ya tantrums ho gaye, they are very down to earth, very practical and show acha bane वैसे एक्टर्स हैं, सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, बहुत ही मजा आया और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यू नो ये नए बच्चे हैं और यू नो ऐसा लगा कि पहले ही दिन जब हम मिले तो लगा कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। क्योंकि डिजिटल का माध्यम है, यू नो इस समय हर कोई अपने हर चीज सारी चीजें सारे स्टेटस यू नो डिजिटल मीडिया पर अपलोड करते हैं, स्टार्स कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट फैन के साथ। अगर आप जाना चाहें, आप कितनी यूज्ड टू हैं यू नो सोशल मीडिया पर और कितनी एक्टिव रह पाती हैं? कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि मैं बहुत एक्टिव रहूँ सोशल मीडिया पे। आई हैव एन इंस्टा अकाउंट, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो मैं हूँ ही नहीं क्योंकि मुझसे एक ही नहीं संभलता। तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और करती भी हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करती रहती हूँ। बट हाँ, आई थिंक कुछ टाइम बाद मैं और ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाऊंगी क्योंकि फीचर्स जो है ना वो रोज बदलते रहते हैं, तो फीचर्स ना अपग्रेड होते रहते हैं, तो वो मैं एक सीखती हूँ तब तक दूसरा आ जाता है, तो मैं मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, मतलब आई एम लिटिल बिहाइंड, आई हैव टू वर्क अप एंड कॉन्स्टेंटली कैच। बट थैंकफुली क्या है, जो मेरे शोज हैं उनमें मेरे आसपास बहुत बच्चे होते हैं तो मुझे बहुत मदद कर देते हैं, तो इसलिए अच्छा काम हो जाता है सोशल मीडिया पे। चलिए, यू नो एक एक्टर का सबसे बेस्ट क्रिटिक जो होता है घर में ही होता है, और चूंकि हस्बैंड है साथ में तो जब सारी आउटपुट देखा तो सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या था, बच्चों का क्या रिएक्शन था जब आपको उन्होंने मतलब आउटपुट देखा उनका? तो जब रूहानियत का पहला एपिसोड आया तो हमने ऑफकोर्स साथ में बैठ के देखा और अभी दो तीन दिन पहले ही, एंड माय डॉटर वाज वेरी हैप्पी। माय डॉटर, क्योंकि अंकुश ने तो डायरेक्टर है तो उन्होंने तो एडिट पे भी देखा हुआ था, म्यूजिक पे भी देखा हुआ था, तो ही वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर आर रिएक्शन कि हमें कैसा लग रहा है, और क्योंकि मुझे भी कहानी पता है और मैं भी पार्ट हूँ शो का, तो आई वाज वेटिंग फॉर माय डॉटर्स एंड माय मदर इन लॉज रिएक्शन क्योंकि हमने सबने साथ में बैठ के देखा, तो मेरी मदर इन लॉ को भी शो बहुत अच्छा लगा क्योंकि फॉर हर ओटीटी पे एक ऐसा शो जो सब लोग साथ में बैठकर देख पा रहे थे, तो शी वाज वेरी हैप्पी कि यू नो जनरली ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू नो इट्स नॉट फॉर फैमिली ऑडियंस, ऐसा या तो वायलेंस बहुत ज्यादा होता है शो में या एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, बट दिस इज अ शो बोल्ड बहुत होता है। ये शो जो है ये आप मतलब लाइक माय डॉटर एंड माय मदर इन लॉ एंड वी सैट टुगेदर एंड वॉच्ड एंड एवरीवन एंजॉयड इट, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। द म्यूजिक ऑफ द शो स्पेशली लाइक माय मदर इन लॉ रियली लाइक द म्यूजिक ऑफ द शो एंड शी वाज लाइक अरे गाना तो बड़ा ही अच्छा है, तो यू नो सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इन दिस शो, तो सबको अच्छा लगा एंड आई थिंक अंकुश वाज वेरी हैप्पी कि सबको अच्छा लग रहा है। ओटीटी पर आपने पदार्पण कर लिया है बट आपने सोचा था कि इसी तरह किरदार से वापस आएंगे डिजिटल माध्यम में, और अगर अब आपको वापस आना हो तो कैसा अवतार होगा, किस तरह का किरदार होगा, कुछ सोचा है कि थोड़ा अलग अंदाज में आएंगे या फिर कुछ क्राइटेरिया होता है अपने किरदार को चुनने का, कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं यही करना है मुझे या इस तरह के किरदार ही करने हैं? काश मैं ऐसा कोई क्राइटेरिया बिठा सकती, लेकिन हमारे पास एज एक्टर्स इतनी लिबर्टी होती नहीं है, वेरी ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि हमें रोज बहुत ऑफर्स आते होंगे और हमें चूज करना होता है, ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑफर्स आते हैं। अब उन लिमिटेड ऑफर्स में से हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। कई बार रोल बहुत अच्छा होता है लेकिन शायद डेट्स मैच नहीं करते, कई बार डेट्स मैच हो जाते हैं लेकिन किरदार में वो बात नहीं होती, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि यू नो मैं अगला क्या करूंगी, बिकॉज सब कुछ ओके होना चाहिए कि मैं किस तरह का किरदार नेक्स्ट चूज करूंगी, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, मेरा किरदार उसमें अच्छा होना चाहिए, डेट्स मैच होने चाहिए, पैसे ठीक ठाक होने चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, सो एवरीथिंग। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं इंट्यूशंस में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब सारी चीजें ओके हो रही है तो मतलब दिस इज मेंट टू बी, तो मतलब ये कर लो, ज्यादा सोचो नहीं, और अगर कोई भी बॉक्स टिक नहीं हो रहा है और
लग रहा है कि नहीं ये तो हो नहीं पा रहा है, सो दैट इज जस्ट गॉड साइन कि भाई तुम्हारे लिए ये नहीं है, कुछ और आएगा. सो मैं इसको गॉड का साइन मान के चलती हूँ, अदरवाइज तो कभी समझ ही नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या करना है और क्या नहीं. सो आई हैव इन सो मेनी इयर्स लर्नड टू टेक साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.